नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच ऐसे लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये लोग आपदा में अवसर तलाश रहे। 58 रुपए का इंजेक्शन, जो कि एंटीबॉडी इंजेक्शन भी नहीं था, मामूली इंजेक्शन, उस पर रेमडेसिविर का लेबल लगाकर उसे 15 से 20 हजार रुपए में बेच रहे थे। गिरोह के सदस्यों ने बताया कि अब तक उन्होंने 760 से अधिक इंजेक्शन ऐसे लोगों को बेचा है जिन्हें कोरोना संक्रमण के दौरान डॉक्टरों द्वारा या अस्पताल द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने के लिए कहा गया था। ऐसे लोग मजबूरी में फंसकर इस तरह के जालसाजों का शिकार हुए। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, तमाम रैपर, तमाम इंजेक्शन, रेमडेसिविर का लेबल, ऐसे तमाम चीजें बरामद की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ऐसे लोग भी सक्रिय हैं जो शायद कहा जाए तो आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। इन लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। मामूली एंटीबॉडी इंजेक्शन भी इनके पास नहीं रहता, लेकिन ये रेमडेसिविर का लेबल लगाकर कोरोना संक्रमित मरीजों को ठगने का काम कर रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग जिंदा लोगों को लाशों में तब्दील करने का कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अन्य लोगों के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।